जो पतित पावनी है, युगों युगों से लोगों को पवित्र करती आई है, ऐसी है हमारी माँ गंगा। जी हाँ, और अब ये माँ गंगा उफान पर है। उफान पर जब आई है माँ गंगा, तो पता है आपको क्या किया इन्होंने? माँ गंगा जब उफान पर आई, तो प्रयागराज में अवस्थित सोए हुए हनुमान जी को इन्होंने कैसी जलाभिषेक किया है, ये हम आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। जी हाँ, कहने को तो गंगा और यमुना दोनों प्रयागराज में उफान पर हैं। लोग बाढ़ से परेशान हो गए हैं और परेशानी इस तरीके की है कि जीना मुहाल हो चुका है और लोग घरों से निकलने को विवश हो चुके हैं। हरी सब्जियां महंगी हो गई हैं और इसके अलावा तमाम चीजें जो कि खाने पीने की हैं, मुश्किल आ गई हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं पढ़ ले। जिनके घर 2 मंजिला 3 मंजिला हैं, वो अपने छतों पर जाकर गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन खाने की चीजों का तो साहब बड़ा अभाव है। ऐसे में गंगा माँ ने बड़ा ही पतित पावन काम किया है, उफान पर आकर तो नहीं लेकिन बजरंग बली के जलाभिषेक को करके। जब भी गंगा उफान पर आती हैं, तो इन सोए हुए बजरंग बली का जलाभिषेक जरूर करती हैं। बड़ा ही खूबसूरत और मनोरम ये दृश्य होता है। इस दृश्य को जब आप देखेंगे, तो यकीन मानिए कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बड़ा ही खूबसूरत ये नजारा है। तो चलिए, इन तमाम नजारों को दिखाती हुई हम आपको अभी दिखाते हैं एक अपनी रिपोर्ट। तो देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज में गंगा यमुना विकराल हो चुकी है और अपना तांडव मचा रही हैं। इनके साथ इनकी सहायक नदियां भी अपने उफान पर हैं। लेकिन इस बीच विकराल हुई गंगा यमुना ने लेटे हुए हनुमान जी के पास जाकर जलाभिषेक किया है, जो कि आस्था का विषय बना हुआ है। जलस्तर में प्रयागराज में जिस तरीके से लगातार वृद्धि हुई है, उसकी वजह से गंगा यमुना ने अपना प्रचंड रूप धारण कर रखा है। संगम समेत कई तटवर्ती इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बेनी बांध के नीचे पूरा संगम क्षेत्र जलमग्न हो गया है। और हम आपको बता दें कि गंगा बड़े हनुमान के दरबार में प्रवेश कर गई। महावीर मार्ग और अक्षयवट मार्ग पर पानी भर गया। हरियाणा से यमुना में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जबकि हरिद्वार, नरौरा और कानपुर बैराजों से गंगा में 3 लाख क्यूसिक से अधिक पानी छोड़ा गया। बाढ़ से घिरने की वजह से तटवर्ती क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। यमुना गंगा के जलस्तर में 8 से 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वृद्धि हो रही है। कछार के कई इलाकों के जलमग्न हो जाने की खबर है। सिंचाई बारखंड के कंट्रोल रूम से खबर मिली कि गंगा का जलस्तर फाफामऊ में 81.47 मीटर, छतनाग में 80.84 मीटर और नैनी में यमुना का जलस्तर 81.43 मीटर रिकॉर्ड किया गया। अक्षयवट मार्ग, किला मार्ग के अलावा रामघाट, दशाश्वमेघ घाट भी डूब गया। देर रात तक चौकियां हटाने और सुरक्षित स्थानों पर जगह बनाने की मशक्कत की जाती रही। उधर नई पुरानी झूंसी में गंगा तट के किनारे तक बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की बेचैनी बढ़ गई। कछारी गांव, बदरा, सोनौटी के खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए। कछार से बड़ी तादाद में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। संगम में भी तीर्थ पुरोहितों, पूजा प्रसाद बेचने वालों में दिन भर हड़कंप मचा रहा। बेनी बांध के निकट बसे लोगों की परेशानी बढ़ गई। इस बीच लोग अपना सामान समेट कर आगे की ओर बढ़ते नजर आए। बाढ़ में खतरे को देखते हुए जल विभाग ने पंपिंग स्टेशन दुरुस्त कर लिया है और आपात स्थिति के लिए 5 बड़े पंपिंग स्टेशनों पर 1,000 लीटर डीजल रखवाया गया। 24 घंटे ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया। इन सब के बीच लोगों की जो आस्था है वो देखने को मिली। कछाड़ी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा तो प्रभावित लोगों को नगर निगम के रैन बसेरे में रखना पड़ा। कछारी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा तो प्रभावित लोगों को नगर निगम के रैन बसेरों में रखना पड़ा। सभी रैन बसेरों में बिस्तर की व्यवस्था की गई, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई। प्रयागराज, यमुना और गंगा के जलस्तर में वृद्धि से कछारी इलाकों में बाढ़ प्रभावित के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीमें भी लगाई गई। शहर के राजापुर, गंगानगर, बेली, रसूलाबाद, शिवकुटी, सलोरी, करेलाबाग समेत 2 दर्जन से अधिक मोहल्लों में बाढ़ से राहत की तैयारी की गई है। शहरी क्षेत्र में लगाई गई 14 मोबाइल
मेडिकल यूनिटों में डॉक्टरों और स्टाफ की 24 घंटे पालीवार ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम में 3 मेडिकल टीमें लगाई गई हैं। बाढ़ राहत के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं की किट बनाई है और दर्द और बुखार के साथ एंटी फंगल क्रीम भी रखी गई है। क्लोरीन की दवाइयाँ और एंटी डायरिया डोज भी, ORS के घोल के पैकेट भी लोगों को दिए जा रहे हैं। गंगा यमुना के जलस्तर से लोग काफी प्रभावित हैं। इसी बीच लोगों को जब खबर मिली कि गंगा पहुंच चुकी है हनुमान जी के पास जलाभिषेक करने के लिए, तो लोगों का जमावड़ा लग गया, लोगों की आस्था चरम पर है। इसी बीच लोग अपने माथे पर गठरी लिए पहुंच गए इस नैना विराम दृश्य को देखने के लिए। बड़ा ही खूबसूरत ये दृश्य है, जब इस दृश्य को देखेंगे तो आप आह्लादित हो उठेंगे। बड़ी ही खूबसूरती के साथ गंगा माँ आती हैं और जब उसमें वेव आता है उनकी लहरों में, तो वो छू लेती हैं हनुमान जी को, जो कि वहाँ पर लेटे हुए हैं। सबसे बड़े हनुमान जी हैं और ये लेटे हुए मुद्रा में हैं, और इस मुद्रा में हनुमान जी के पास कोई भी नहीं पहुँच पाता गंगा के अलावा। जब गंगा अपने उफान पर होती हैं तो यहाँ पर पहुँच जाती हैं, और यही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला। जब लेटे हुए हनुमान जी को छूती हुई गंगा जलाभिषेक करती हुई देखी गए, तो भक्त जय गंगे के नाम से जयकारा लगाते हुए देखे गए। भक्तों का उत्साह चरम पर रहा। लोग दूर दूर से इस दृश्य को देखने के लिए कि बाढ़ के पानी में आ रहे हैं, हालांकि इनके लिए रैन बसेरी की उचित व्यवस्था की गई है। लेटे हुए हनुमान की ये प्रतिमा यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत बनाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। और यहाँ पर लोग ऐसे मौसम में भी पहुँच रहे हैं जहाँ पर कि बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर रखा है। नदियाँ प्रचंड हो चुकी हैं और अपने वेग को लगातार फैलाती जा रही हैं। बेग से गंगा यमुना बह रही हैं और सहायक नदियां भी उफान पर हैं, और ऐसे में लोगों का आस्था भी अपने चरम पर है। आस्था में जरा भी कमी नहीं आई है, ऐसी आस्था को नमन है। SPN 9 न्यूज के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो माँ गंगा जो सबको पवित्र करती हैं, पहुंच गई हनुमान जी के पास और उनका जलाभिषेक किया। इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और लोगों का हुजूम जिस तरीके से उमड़ा, ये देखकर आपको कैसा लगा? हमारा ये कार्यक्रम बनाने के पीछे मकसद यही है कि जब कुछ अच्छा होता है तो उसके पीछे कुछ बुरा भी होता है। बाढ़ आई, विपदा लाई, लेकिन गंगा मैया ने वहाँ पर जाकर बजरंग बली का जलाभिषेक किया है। क्या कुछ अच्छा होने वाला है प्रयागराज का? क्या भला होने वाला है प्रयागराज का? और क्या कुछ हो सकता है प्रयागराज में? हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। कहते हैं कि जब कुछ बड़ा बुरा होता है तो उसके पीछे, उसके आगे भी कुछ बेहतर होने की उम्मीदें हमें रखनी चाहिए। तो इससे क्या बेहतर हो सकता है? बाढ़ आई, फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर है कि हनुमान जी जो युगों युगों से सोए हैं, वहाँ तक गंगा बड़ी देर से पहुँचती हैं। और इस बार ये भी हुआ है, ये भी एक नया इतिहास है कि एक बार फिर से गंगा वहाँ पर पहुँची हैं और उनका जलाभिषेक किया है। और उस वक्त के मरुण जो मनोरम छटा है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और हमें सुझाव दें कि और क्या कुछ हो सकता है और कौन सी तस्वीरें आप देखना चाहते हैं प्रयागराज की। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।